हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी आज की जो क्लास है वो क्विक रिविजन में अगली क्लास है। तो आज हम बात करेंगे केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चनों को हम फैक्ट के आधार पर यहाँ एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है क्विक रिविजन की क्लास है, तो यहाँ हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले केरल जो है, ये केरल यहाँ पर चेर राजाओं की भूमि हुआ करता था। किसकी भूमि हुआ करता था भैया? चेर राजाओं। यहाँ बहुत पुराने समय में चेर राजा हुआ करते थे और इनने अपने स्थान को क्या कह दिया? चेरालम कह दिया, चेरालम कह दिया। और इसी चेरालम से चेरल बन गया और इसी चेरल से लोग इसे केरल कहने लगे। ठीक है, इस तरह से इसके नाम की क्या है? व्युत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चेर राजा रहते थे, जगह का नाम चेरालम पड़ गया, चेरालम से चेरल हो गया और चेरल से इसे कालांतरण बदल के केरल कर दिया। केरल का भारतीय संविधान के आधार पर जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश बना था उसी समय केरल राज्य का भी गठन हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो पी विजयन। कौन है भैया? पी विजयन यहाँ के क्या हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है और ये डाटा अभी 2-3-4 दिन में या तो बदल जाएगा या फिर यही रहेंगे मुख्यमंत्री, यही जीत जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ये डाटा जैसे राज्यपाल हो गया और मुख्यमंत्री वाला डाटा है, ये डाटा हमेशा बदलेगा। क्योंकि ये वीडियो आज बन रहा है, आज बनने के बाद लगातार ये चीज़ें अपडेटेड होती रहती हैं, तो इनको आप समझिएगा, है ना। तो अभी क्या है, पी विजयन साहब हैं, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के राज्यपाल कौन है भैया? आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी की बात करें तो सभी को पता है तिरुअनंतपुरम। राजधानी का नाम क्या भैया? तिरुअनंतपुरम है, शॉर्ट में इसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज मलयालम है। भाषा कौन सी भैया? मलयालम है, लेकिन मलयालम अगर ऑप्शन में नहीं आता तो अंग्रेजी भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात आप जानते ही हैं। तो अंग्रेजी और मलयालम, लेकिन मुख्य भाषा यहाँ की क्या है? मलयालम है, है ना। अगर नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो नृत्य है वो है कथकली। कौन सा है भैया? कथकली। याद रखना, कथकली अलग है और कथक अलग होता है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कथक और कथकली। कथक नृत्य आता है, लोग तुरंत लगा देते केरल, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली आपका केरल का है। बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। त्यौहार की बात करें तो ओणम, यहाँ का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ओणम है। ठीक है, वही मकर संक्रांति टाइप का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अन्य नाम की अगर बात करें तो इसे भारत का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भारत का कश्मीर कहा जाता है। केरल राज्य को भारत का कश्मीर कहा जाता है और इसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं। मसालों का बगीचा भी कहते हैं और इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ साइलेंट वैली स्थित है, इसलिए साइलेंट वैली कहते हैं, भारत का कश्मीर कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं, नारियल की भूमि कहते हैं, नारियल की भूमि कहते हैं, ईश्वर का घर कहते हैं, हाउस ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे कश्मीर के नाम हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साक्षरता की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कितने पढ़े लिखे लोग हैं? लगभग 94% यहाँ की साक्षरता है। 94%, 94% यहाँ की साक्षरता, आप अंदाज लगाइए कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और जिसमें भी अगर मेल की बात करेंगे तो मेल 96 के आसपास हैं, 96% मेल का है और थोड़ा कम इससे फीमेल का है। ठीक है, काफ़ी पढ़े लिखे राज्य हैं। और साक्षरता के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो होता है, लिंग अनुपात आप जानते ही हैं, पुरुष और महिलाओं का क्या होता है? रेशियो होता है। तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं भैया? 1084 महिलाएं हैं। यहाँ उल्टा है, सारे भारत में क्या सिस्टम है? सारे भारत में महिलाएं कम हैं बल्कि पुरुष ज़्यादा हैं। हर जगह बेस हमेशा 1000 माना जाता है और 1000 हमेशा क्या होते हैं ये भैया? मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। इस बेस पर काउंट किया जाता है कि महिलाएं कितनी हैं। जितनी महिलाएं होती हैं उतना वहाँ का लिंगानुपात हो जाता है। तो हर जगह 1000 से कम है, हर जगह महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन केरल में उल्टा है। केरल में 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब महिला ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा हैं, नारी का सम्मान करते हैं और इसी कारण वहाँ का लिंगानुपात अधिक है। ठीक है, अगली बात करें हम यहाँ के बंदरगाह की बात करें तो जो बंदरगाह है, आपको पता है कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसमें कुल 9 राज्य लगते हैं। तो यहाँ आपका केरल है और केरल पर यहाँ समुद्र लगा हुआ है और ये जो समुद्र लगा है ये अरब सागर है
और इसी सर अरब सागर में ये वाले तट को क्या कहते हैं, ये वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। ये मैंने आपको तटों वाले वीडियो में पढ़ा दिया है सारे तट। तो केरल का जो तट है वो मालाबार है, केरल का जो समुद्री तट है वो मालाबार तट कहलाता है। और अगर बंदरगाह की बात करें तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है कोच्ची बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कोच्ची। इसी को कोचीन के नाम से भी जाना जाता है, कोई समस्या नहीं है, भाषा के आधार पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कोचीन या कोची बंदरगाह है और इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो कोची बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह है। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया अरब सागर में स्थित है और सारा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो अरब सागर से, अरेबियन सी से होता है, इसलिए अरब सागर की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कोची बंदरगाह के बाद एक और इंपॉर्टेंट बंदरगाह है कालीकट। कालीकट का कौन भूल सकता है भैया, है ना, कालीकट को कौन भूल सकता है। 1498 में, 1498 में एक व्यक्ति था, 1498 में एक व्यक्ति था जो पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप रास्ते के माध्यम से और अब्दुल मनीक व्यक्ति के डायरेक्शन में वो कहाँ पहुंचा भैया, वो पहुंचा मालाबार तट के, केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में जाके उतरा। ठीक, कौन उतरा? वास्को डिगामा, जो कि भारत पर आने वाला पहला व्यक्ति था पुर्तगाली, और इसे भारत की खोज का श्रेय भी जाता है। कुछ लोग कहते हैं खोज कैसे हुई, खोज तो मान नहीं सकते इसको, लेकिन इसे इसलिए खोज मानते हैं क्योंकि उस दुनिया से, इस दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति आया, इसलिए इसको खोज मानते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसलिए कालीकट बंदरगाह पर, ये बात आप हम इतिहास में बहुत डिटेल से समझेंगे, पूरा विस्तार से अध्ययन में आपको बताऊंगा। एक यहां पर अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का एकमात्र तैरता एटीएम लगाया गया है। इससे क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी ऐसा आने की संभावना है। भारत में एटीएम तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत में एकमात्र एटीएम ऐसा है जो तैरता है। अब बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये तैरता होता क्या है, ये हमें थोड़ा समझाइए। तो देखो, सामान्य सी बात है कि कोई भी चीज जो सामान्य जमीन पर है तो हम उसे सामान्यतः कहते हैं, लेकिन जब उसी चीज को अगर पानी के ऊपर बनाया जाता है, पानी के ऊपर बनाया जाता है, अब वो पानी किसी भी चीज का हो, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो झील का हो, चाहे वो खाड़ी का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो किसी भी चीज का पानी हो, उसके ऊपर अगर उस चीज को स्थापित करते हैं तो उसे तैरती हुई कह देते हैं। बात क्लियर है? तो यहां आपको पता है कि समुद्र वाला एरिया लगा है, तो जहाज बहुत सारे आते हैं, तो उनके लिए पैसा ऐसा निकालने के लिए समुद्र में एक पानी के अंदर थोड़ा सा अंदर स्थापित कर दिया है, और इसलिए इसको तैरता हुआ एटीएम कह दिया। ठीक है, जैसे भारत में हम बात करें तो तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कश्मीर में है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मणिपुर में है, है ना, तैरता हुआ विद्यालय भी बन चुका है वहीं पर, तैरता हुआ रंगमंच हमारा ग्वालियर में है। ऐसी तैरती हुई बहुत सारी चीजें भारत में बन रही हैं जो कि किसी न किसी पानी के होस्ट या सोर्स पर बनाई जाती हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट, जिसने मिट्टी का वीडियो नहीं देखा वो मिट्टी वाला वीडियो देख रहे हैं। इसी प्रकार से मैं आपको दोनों भागों में जीके पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा दिया, टॉपिक में आपको राष्ट्रीय उद्यान समझा दिया, मिट्टी समझा दिया, आपका और भी जितना भी डाटा है सब कुछ समझा दिया। अब यहां पर स्टेट वाइज में आपका क्विक रिविजन हो जाएगा और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं, तो जो टॉपिक छोड़े हैं, मंदिर हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, परियोजना हो गया, वो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यहाँ पर नारियल अनुसंधान केंद्र स्थित है, नारियल पर रिसर्च होती है, और नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भैया कासरगोट में है। कहाँ पर है भैया? कासरगोट, केरल में तो है, लेकिन केरल में कहाँ? कासरगोट एक जगह पड़ती है, वहाँ केरल में नारियल अनुसंधान केंद्र कोकोनट रिसर्च सेंटर स्थित है। कोकोनट रिसर्च सेंटर के साथ ही यहाँ पर मसाला अनुसंधान केंद्र भी है, मसाला अनुसंधान केंद्र, स्पाइस रिसर्च सेंटर भी स्थित है, जो कि कालीकट में स्थित है। ठीक है, याद रख लेना, लिख लेना। इसके साथ साथ विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इसमें लोग गलती करके बेंगलोर लगा देते हैं। जैसे स्पेस सेंटर की बात आती है उन्हें लगता है कि अरे स्पेस सेंटर बेंगलोर, और विक्रम साराभाई ने स्थापना की थी। तो समझिएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो बेंगलोर में की गई, कर्नाटक में। आगे मैं पढ़ाऊंगा। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना कहां की? बेंगलोर में।
जबकि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, देखो विक्रम साराभाई ने की है वो एक अलग चीज है, और विक्रम साराभाई के नाम पर बना दिया जाए वो एक अलग बात है। जैसे मैंने एक कोचिंग की क्या की, स्थापना की, मैंने एक कोचिंग की क्या है, स्थापना की, कहां की भाई, किसी भी शहर में कर दी, मान लो भोपाल में कर दी एक कोचिंग की स्थापना, मैंने की, मेरा नाम आएगा। कल को मैं मर जाऊं और मेरे बाद जाने के बाद कोई मेरे नाम से कोई संस्थान वहां जाके स्थापित कर दे, या कहीं और भारत के किसी भी कोने में जाके मेरे नाम से कर दे, तो अंतर है ना दोनों में, मेरे द्वारा करना और मेरे नाम पे करना, दोनों में अंतर है। तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना बेंगलोर में की, लेकिन उनके नाम से जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वो कहां है, वो त्रिवेंद्रम है, जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहां पर स्थापित है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। अगली बात करें मुख्यालय की, तो एयरफोर्स आप सभी जानते होंगे, एयरफोर्स जिसको वायुसेना कहा जाता है, तो वायुसेना का जो दक्षिणी मुख्यालय है, दक्षिण का मुख्यालय है, दक्षिणी कमांड है, वो हमारा कहां है, वो केरल में स्थित है, कोरल में आपको पता है जगह पड़ती है, तिरुवनंतपुरम राजधानी में स्थित है। और जलसेना, जलसेना को नेवी कहते हैं, नेवी का दक्षिणी मुख्यालय कोची में स्थित है, ठीक है, कोची भी यहीं पड़ता है। पर्यटन की बात करें, पर्यटन में सबसे इंपॉर्टेंट है सबरीमाला मंदिर, कौन सा भैया, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इस मंदिर के अंदर महिलाओं को जाने पर पाबंदी थी, तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई, और फिर फाइनली हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भाई कोई ऐसा इशू नहीं है, महिलाएं भी जा सकती हैं। तो सबरीमाला मंदिर चर्चा में रहा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो अयप्पा, है ना, भगवान का नाम है अयप्पा, उनकी भाषा है, उनकी भाषा के आधार पर नाम है, अयप्पा भगवान के लिए समर्पित है। बीच की बात करें तो यहाँ पर एक बीच है जिसका नाम कोवलम है, कोवलम बीच स्थित है, कोवलम बीच स्थित है, और ऐसा कोई खास यहाँ टेम्पल है नहीं, ठीक है। दर्रों की बात करें तो पालघाट दर्रा है ना, पालघाट दर्रा, दर्रे मैंने आपको पहले ही समझा दिए, पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। अगर झीलों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट झील है पेरियार झील, पेरियार झील, बेम्बानड झील, उन्नाव झील, है ना, उन्नाव जगह यूपी में है लेकिन उन्नाव झील केरल में है, उन्नाव झील आता है लोग उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, उन्नाव शहर उत्तर प्रदेश में है, उन्नाव झील आपकी केरल में है, उन्नाव झील हो गई, बेम्बानड झील हो गई, पेरियार झील हो गई, और एक और झील है अष्टमुदी, कौन सी भैया, अष्टमुदी झील कहां पर है भैया, केरल में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानड, भारत की सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी चिल्का है, सबसे खारी सांभर है, भारत की सबसे लंबी झील जो है वो बेम्बानड झील है, ठीक है। उद्यानों की बात करें तो उद्यानों में आपको पता है पेरियार, देखो पेरियार के नाम से यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, पेरियार के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, नेशनल पार्क कहते हैं इंग्लिश में, पेरियार के बाद आपका अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, है ना, थोड़ा वहां भी आता है तमिलनाडु में, थोड़ा यहां भी आता है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद आपका अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखो इनको। परियोजनाओं की बात करें तो परियोजना में आपका ब्रह्मानंद नहीं, परियोजना में आपका एक परियोजना है जो कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ चर्चा में है, पेरियार के नाम से ही है, पेरियार के ही नाम से चर्चा में है एक राष्ट्र परियोजना, वो भी यहाँ पर है। एक काम करो आप, पेरियार नाम से कुछ भी आ जाए, चाहे पेरियार उद्यान हो, पेरियार झील हो, पेरियार परियोजना हो, कुछ भी आ जाए, आपको कहाँ लगाना है, केरल लगाना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अनाईमुदी, अन्नामलाई हो गया, अनाईमुदी राष्ट्रीय उद्यान है ना, अनाईमुदी आपको पता है चोटी है यहाँ पर, उसके नाम से भी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सोला नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, माथा केसा सोला पूरा नाम है उसका, माथा केसा सोला नेशनल पार्क है। पेरियार परियोजना हो गई, ब्रह्मपुरम परियोजना है ये ताप, देखो जिसमें मैं नदी नहीं बता रहा ना, समझ लेना वो ताप विद्युत परियोजना है, ब्रह्मपुरम परियोजना है, और ब्रह्मपुरम परियोजना के बाद बस इतना काफी है, इतना डाटा आपका काफी है इस राज्य के लिए, ठीक है, इस राज्य के लिए। एक और परियोजना लिख सकते हो ब्रह्मपुरम के अलावा, परामबिकुलम,
परामबिकुलम परियोजना, ब्रह्मपुरम परियोजना और पेरियार परियोजना, ठीक है, इतना काफी है। और एक चीज और, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्यटन में आ जाएगा, पर्यटन में लिख लेना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी भारत की, दक्षिण भारत की, भारत की नहीं, भारत की तो केटू घाट बनाष्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी है। अनाईमुदी भी कह सकते हैं, अनाईमुदी भी कह सकते हैं। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुदी चोटी है, और नीलगिरी पहाड़ी पर डोडाबट्टा है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताई थी, वो दूसरी ऊंची चोटी है और ये सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और ये भारत का सबसे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र भी कहलाता है अनाईमुदी, ठीक है, जो कि आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ज्वाइंट है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी इसी को माना जाता है। पश्चिमी घाट जो है आपका इस तरफ वाला, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी को माना जाता है, ठीक है। आप उसमें ज्योग्राफी वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट करते रहें। अगर हमें लगेगा कि लगातार इसी तरीके से वीडियो डालने चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो हम लगातार इसी तरीके से सारे राज्य के वीडियो डाल देंगे, सारे मध्य प्रदेश के जिलों के वीडियो डाल देंगे, और सारे देशों के एक एक करके वीडियो डाल देंगे, जिसमें आपको एक क्विक रिवीजन के आधार पर, एक अच्छी हल्की और इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।